हाँ तो कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे मैथ्स, ठीक है? पहाड़े सीख रहे थे ना, पांच एकम पांच, पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौके बीस और पांच पंजे पच्चीस। ताई मुझसे ना ये पाढ़े बिल्कुल याद नहीं होते। पद्मा कोई भी नई चीज सीखते हैं ना तो उसमें हमें मुश्किलें आती है, लेकिन अगर तुम परिश्रम करोगी अभ्यास कर करके तुम्हें वही चीज आसान लगने लगेगी। और पहाड़े आएंगे ना तो हिसाब किताब करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन पहाड़े याद करके हम क्या करेंगे, हम तो खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो हमारे आदमी लोग ले जाते हैं, तो हम हिसाब कैसे करेंगे? ज्योति अगर पढ़ाई अच्छे से करोगी तो अपने पैसे खुद जमा करने बैंक जाया करोगी, फिर आपका अपने पैसों पर हक होगा। हाँ ताई मेरा तो बैंक में खाता भी है, लेकिन वो मेरा आदमी संभालता है। तभी तो कह रही हूँ अच्छे से पढ़ाई करोगी तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम अपने बैंक खाते का ख्याल खुद रखोगी। मतलब मेरा पति मुझसे मेरे पैसे नहीं छीनेगा? तो तू अब मुझसे पैसे छुपा के बैंक में रखेगी, और क्या क्या छुपाएगी मुझसे? बोल। अब देखते हैं उस टीचर मैडम की पाठशाला कब तक चल पाएगी। अरे बबनिया, ए आगे कहाँ जा रही? ए हिम्मत कैसी हुई इन औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करने की? मेरे घर के सामने खड़े हो, किसी के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ तो ठीक है, हमें जो करना होगा वो हम इन्हें घर ले जाके करेंगे। क्यों भाइयों? चलती है, लगाऊं एक? चल। बोला ना, यहाँ पर किसी भी औरत के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर किसी भी औरत को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, एक एक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी पुलिस में। आइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा कुछ लोग ना बदतमीज होते हैं, आकी आई उन्हें तमीज सिखा रही है। हो आप अंदर जाओ, उषा मौसी अंदर ले जाओ। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या लगाया आप लोगों ने औरतों को यहाँ पे बिठा के रखा है? इनके मर्द लोग क्या करेंगे, घर संभालेंगे कि बाहर का काम करेंगे? मैं इस क्षेत्र का MLA, मुझे इन सब की चिंता है, इसलिए मैं आपको बोलता है इन सबको जाने के लिए। वैसे भी औरत का क्या है, ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो घर में अशांति होगी। औरत का काम क्या है, घर संभालना, बच्चे संभालना, खाना बनाना, मर्द को खिलाना। लगता है औरतों की पढ़ाई करने से आपको काफी तकलीफ है। अरे नहीं भाई साहब, मैं ये बगैर कान पकड़ लू, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होगी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पूरे एरिया का MLA चुपचंतक गुलाब रहा, और मेरे क्षेत्र में आपके जैसी अकेली औरत इसका आगे पीछे कोई नहीं है। जरा सोचिए, इन सब मर्दों ने मिलकर आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया था। मैं इस पूरे एरिया का MLA शुभचिंतक गुलाब रहा, और मेरे क्षेत्र में आपको जैसी अकेली औरत इसका आगे पीछे कोई नहीं। जरा सोचिए, इन सब मर्दों ने मिलकर आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया था। अरे आपकी छोटी सी बच्ची है ना, सोचिए अगर उसको कुछ। धमकी दे रहे हो मुझे? काय भाई से, नहीं धमकी नहीं दे रहा है, मैं तो आपका शुभचिंतक है ना, समाज सेवक है मैं। अब पता है भाई साहब, मेरे को गुलाब राव से समाज सेवक गुलाब राव बनने के पीछे गांव के आदमियों का हाथ है। मालूम है कैसे? क्योंकि उन आदमियों के पीछे इन औरतों का हाथ है। तो वैसे भी कहते हैं ना भाई साहब, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो औरत को पीछे रहने दीजिए ना, क्यों संतुलन खराब कर रही हैं आप?
आप बस अपनी आपको खुद को अपनी छोटी सी बच्ची को संभालो, उसकी तरफ ध्यान दो, ये पढ़ने लिखने के बारे में भूल जाओ। भाई आपकी उंगली तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे को दिखाने का नहीं, अगर दिखाना ही है तो अपना सपोर्ट दिखा, वोट डाल के इसी उंगली को ऐसे स्याही लगाने का और फोटो डालने का, इतना छोटी सी बात है, और कहने का, सबको कहने का, गुलाब राव जी का मैं समर्थन करती हूँ, इतनी छोटी सी बात। ये तो मैं लक्षा सुधर, कृपा सुधर, नमस्कार, चला रे। मेरी नहीं सुनेगी क्या बोले भाऊ? हाँ। अरे देवा, आंखें झुकी हुई, चेहरा ऐसा लटका हुआ, अरे कहीं किसी ने तेरे को तेरी सुपारी तो नहीं दी ना? मेरे को थोड़ा पैसा मांगता भक्त। तेरे को कहाँ से पैसे की कमी है, भाई को की पूरी पगार तू ही खा लेता है, कल ही सबका पगार हुआ है। अरे बबनिया, ओ भाऊ सुना, तो पर यहाँ मेरे पास पैसे मांगने क्यों आया तू? भाऊ वो जब से मेरी औरत उस सही के पास जाने लगी है ना, तब से सब गड़बड़ हो गए। पता नहीं उस मास्टरनी ने मेरी बीवी के दिमाग में जाने क्या भर दिया है, बोलती है सब पैसा बैंक में जमा कर दिया है। और जो औरत अपने घर में बर्फ भी मुझसे पूछ के जमाती थी, वो अब सब पैसा बैंक में जमा करके मुझ पे धौंस जमा रही भाऊ। सीधा सीधा बोलना, तेरी बीवी के आगे तेरा जोर नहीं चल रहा है। अरे आजकल तो जोर भाऊ का नहीं चल रहा तो मेरी क्या औकात। ए जबान संभाल कर, नहीं तो यही तेरा फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा मैं, जानता है ना क्या बोल रहा है तू? मेरा मतलब था कि कल भाऊ ने बोला था ना सही को वो औरत लोग का पाठशाला बंद करने को, पर कुछ हुआ नहीं, सब वैसे ही चालू है। ये राजकुमारी, ये क्या खाना है? पेपर्स खाएगी मेरी राजकुमारी? ये ले खा। ये बबनिया, चूजे को उठा ले रे, मुर्गी का फड़फड़ाना अपने आप बंद हो जाएगा। आहो, आपको कितने बार समझाया बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करने का। हाँ नहीं सुनी उसने। मेरी राजकुमारी तू जा अंदर, जा अंदर जाके खेल। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कितने प्यारे, कितने कितने सुंदर। ये बबनिया, सही की बच्ची को उठाओगे, अगर प्यार से उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपकना चाहिए, किसी का कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तो क्या माजी भाई को कैसे नाराज हो गई? इसे मेरे वोटर लोग नाराज नहीं होने चाहिए। ताई, ताई, ताई रुको, ताई ताई, ताई ताई, आज मेरा आदमी फिर से पीके आया, देखो कैसे जानवर को तेरे मारा है। मैं सीधा दौड़ के आपके पास आ रही थी, मुझे मौसी ने कहा कि आप घर की तरफ जा रहे हैं। ताई ताई मैं सच कह रही हूँ, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है ताई, वो आदमी मुझे इंसान समझते ही नहीं है ताई, नहीं रहना है ताई। जिस आदमी ने तुम्हारे साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया उसके साथ भी अब जानवरों की तरह ही व्यवहार होगा, उसे तो मैं समझती हूँ। तुम चिंता मत करो जोगी, तभी मैं आपकी कपड़े चेंज करा के आपको स्कूल कैंप छोड़ूंगी। ओके ओके चलो।